दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में जितनी तवज्जो एक नायक को दी जाती है उतनी ही तवज्जो एक खलनायक को भी दी जाती है। साथ ही दर्शक भी नायक के साथ साथ खलनायक को भी पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि एक विलन को हीरो जितनी पॉपुलैरिटी दर्शकों के बीच नहीं मिलती। आज हम एक ऐसे ही अभिनेता की बात कर रहे हैं जिसने फिल्म इंडस्ट्री में आते ही कुछ फिल्मों के बाद अपने अभिनय का जौहर दिखाने लगा। हालांकि दिखने में बेहद खूबसूरत और अच्छी कटकाठी होने के बावजूद उसे ज्यादातर फिल्मों में एक विलन के किरदार को ही निभाना पड़ा, लेकिन वो उस किरदार में रहकर भी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता मोहनीश बहल की, जिसने 80 के मध्य से लेकर 90 के दशक तक शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया। वो जब छोटे पर्दे पर आए तो घर घर में वो पसंद किए जाने लगे। उनके अच्छे लुक और अभिनय के लोग दीवाने हो गए, खासकर महिलाएं। उन्होंने सभी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और फिल्मी दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, फिल्मी करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 14 अगस्त साल 1961 को मायानगरी कही जाने वाले शहर मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही किया। बचपन से ही उनका झुकाव फिल्मों की तरफ रहा, इसलिए बड़ा होकर उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया। उनकी माँ फिल्मों की एक जानी मानी अभिनेत्री थी, जिसके चलते उन्हें फिल्मों में आने के लिए खास कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन एक मशहूर अभिनेत्री के बेटे होने की वजह से उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और आखिरकार अपने दम पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर एक अपनी अलग पहचान बनाई। बहरहाल, उन्होंने साल 1983 में फिल्म जगत में दस्तक दी और वीवी राजेंद्र प्रसाद की फिल्म बेकरार से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। हालांकि उसमें उनकी एक छोटी सी भूमिका रही, जिसमें उन्होंने प्रदीप की भूमिका निभाई। उस फिल्म में मशहूर अभिनेता संजय दत्त और मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी मुख्य किरदार के रूप में शामिल थे। फिल्म तो दर्शकों को पसंद आई, लेकिन मोहनीश दर्शकों के ऊपर अपने अभिनय का प्रभाव नहीं छोड़ पाया। उसके बाद साल 1984 में उन्होंने फिल्म मेरी अदालत में अभिनय किया, जो उनकी दूसरी फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म से भी उन्हें दर्शकों के बीच खासा पहचान नहीं मिली। उसी साल वो पुराना मंदिर और तेरी बाहों में जैसी फिल्मों में नजर आए। आपको बता दें कि फिल्म तेरी बाहों में हॉलीवुड फिल्म द ब्लू लगून की रिमेक थी, जिसमें वो जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा के साथ नजर आए, लेकिन वो दर्शकों पर अपने अभिनय की छाप छोड़ने में लगभग असफल रहे। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपनी माँ के नाम का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वो अपने दम पर कामयाबी हासिल करना चाहते थे और वो उनकी तीसरी और चौथी फिल्म थी। फिर वो साल 1987 में आई फिल्म इतिहास में नजर आए, जिसमें वो इंस्पेक्टर राकेश की भूमिका में दिखाई दिए। मशहूर अभिनेता राजकुमार और अनिल कपूर भी उस फिल्म में बतौर नायक शामिल थे। उनके अभिनय करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया में उन्होंने जीवन की भूमिका निभाई। उस फिल्म से दर्शकों ने उन्हें एक विलन के रूप में स्वीकार किया। उस फिल्म में मुख्य अभिनेता के रूप में सलमान खान नजर आए। मोहनीश ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता और उनके बीच अपनी लोकप्रियता कायम की। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे बागी, प्यार का साया, हिना, दीवाना, बोल राधा बोल, शोला और शबनम, हनीमून, एक ही रास्ता, कसम तेरी कसम, दिल है बेताब, आशिक आवारा, चंद्रमुखी, फूल और अंगार, लाडला, ईना मीना डीका और आग। इन सभी फिल्मों से उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके अंदर भी फिल्मों में अभिनय करने की क्षमता है और वो अपनी माँ के जैसी ही ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे वो प्रसिद्धि हासिल करने लगे। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी सुपरहिट फिल्मों में सलमान खान के साथ ऑन स्क्रीन भाई बन चुके मोहनीश न केवल भाईजान के संस्कारी भाई थे, बल्कि हम आपके हैं कौन में उनके प्रतिस्पर्धी भी रह चुके हैं। फिर भी दुनिया उनको एक आदर्श और संस्कारी बेटे के रूप में जानती है। उन्होंने बेहतरीन ढंग से खुद को और अपने हुनर को फिल्मों में उकेरा है। साल 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी में वो नजर आए, जिसमें नायक और नायिका के रूप में आमिर खान और करिश्मा कपूर शामिल थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, साथ ही फिल्म के गाने भी दर्शकों को काफी पसंद आए। उसके बाद उन्हें कई और फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला और उन्होंने उन सभी फिल्मों में शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया। 90 के दशक में उन्होंने कई सारे अभिनेताओं के साथ काम किया। इसके अलावा उन्होंने फोर्स और जय हो जैसी फिल्मों में एक सकारात्मक भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसी प्रकार उन्होंने कई और फिल्मों में एक सहायक अभिनेता के रूप में सकारात्मक भूमिका निभाई है और दर्शकों के बीच अपनी सकारात्मक भूमिका की छाप छोड़ी है। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने टीवी सीरियल में भी अभिनय किया और वो छोटे पर्दे पर भी सफल रहे।
उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी अपनी अदायगी का जादू चलाया और आरजू है तू, कहानी घर घर की, दिल मिल गए, कस्तूरी, कुछ तो लोग कहेंगे, सावधान इंडिया, संजीवनी और फिर दिल मिल गए जैसे टीवी सीरियल में अभिनय किया। सभी धारावाहिकों में दर्शकों द्वारा उनके अभिनय को पसंद किया गया, खासकर संजीवनी में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें खूब सराहा गया। उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया है और सभी को प्रभावित किया है। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने आरती बहल से शादी किया है, जिन्हें एकता सोहनी के नाम से भी जाना जाता है। वो एक पूर्व अभिनेत्री हैं, कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी का नाम है प्रनूतन बहल और दूसरी बेटी का नाम है कृषा बहल। प्रनूतन एक अभिनेत्री है, वहीं पर उनकी छोटी बेटी 14 साल की है जो अभी पढ़ाई कर रही है। उनके पिता का नाम रजनीश बहल है जो एक लेफ्टिनेंट कमांडर थे। उनकी माता का नाम नूतन है जो एक मशहूर अभिनेत्री थी, जिनका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में ही किया है। वो अपने जमाने की एक खूबसूरत मशहूर अदाकारा थी, जिन्होंने कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय का परचम लहराया और दर्शकों को अपनी अदाकारी से रोमांचित किया। आपको बता दें कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के निधन के बाद आज तक उनकी एक भी फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि उनकी माँ की फिल्में उन्हें उनकी याद दिलाती है। अपनी माँ को याद करते हुए वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए वो उनकी फिल्में भी नहीं देखते हैं। मोहनीश मशहूर अभिनेत्री काजोल के मौसेरे भाई हैं। काजोल ने एक अभिनेत्री के रूप में बड़ी सफलता हासिल की है और कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। आज भी वो फिल्मों में एक्टिव रहती हैं, हालांकि वो अब ज्यादातर फिल्मों में नजर नहीं आती हैं। उनके पति का नाम अजय देवगन है, जो फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेताओं में से एक है। मशहूर अभिनेत्री तनुजा मुखर्जी और काजोल की माँ मोहनीश की मौसी हैं। अभिनेत्री शोभना समर्थ उनकी नानी और फिल्म निर्देशक कुमार सेन समर्थ उनके नाना हैं। फिल्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान और शानदार अभिनय के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जैसे साल 1995 में उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन में शानदार अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित किया गया और साल 2002 में स्टार प्लस पर संजीवनी ए मेडिकल बून के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार दिया गया और उसी साल सोनी एंटरटेनमेंट पर देवी के लिए नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इंडियन टेली अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मोहनीश बहल न सिर्फ सभी चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ी, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में और साथ ही दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी सफल रहे। भले ही उन्हें एक नायक के रूप में फिल्मी दुनिया में सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने एक खलनायक के रूप में दर्शकों से भरपूर प्यार पाया। साथ ही कई फिल्मों में सकारात्मक भूमिका निभाकर वो सभी के दिलों में सकारात्मक अभिनेता के रूप में बस गए। आज भी वो फिल्मों की दुनिया में एक्टिव हैं और दर्शकों को मनोरंजित कर रहे हैं। 61 साल के हो चुके मोहनीश को आज भी उनके चाहने वाले पसंद करते हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।